शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। इस नवरात्रा में आपके साथ 6 बड़ी चीजें होने वाली है। इन बड़ी चीजों को नवरात्रा शुरू होने से पहले आप समझ लें और इनका फायदा उठा लें, या ये आपके जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकती है, ये आज इस वीडियो के माध्यम से आप विस्तार पूर्वक समझ लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे जातक मुझे कमेंट्स में ये बात पूछ रहे हैं कि इस नवरात्रा में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीजें करना चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, और बहुत सारे प्रश्न आपके नवरात्रा से जुड़े हुए मुझे अभी मिल रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखकर अपनी नवरात्रि के बारे में, अपने साथ होने वाली 6 बड़ी घटनाओं को बहुत विस्तार पूर्वक समझ लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखे भोलेनाथ का नाम, और आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, साथ ही साथ पूरा वीडियो देखने के बाद अगर ये अच्छा लगे तभी से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट्स में अपनी एक राय जरूर लिखना। तो सबसे पहली बड़ी घटना जो इन 9 दिनों के अंदर आपके साथ होगी, वो है कोई बड़ा आर्थिक लाभ आपको होगा। धन से जुड़ा हुआ जो रुका हुआ धन है, या कोई भी धन से संबंधित चीजें जो बहुत दिनों से डिस्टर्ब थी, उसमें आपको एक बड़ा आर्थिक लाभ होगा। लेकिन उसके लिए एक उपाय भी आपको करना होगा जो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। दूसरा है, कोई प्रॉपर्टी या कोई नया वाहन, कोई नई चीज आप खरीद सकते हैं और अपने जीवन में वो बदलाव होगा। जो एक मन में डर है ना कि इसको खरीदने से ये हो जाएगा या ऐसा तो ना हो जाए, उसे भूल जाए और खरीद लें, क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर है। इसके लिए भी एक आपको उपाय आखिरी में बताऊंगा जिसे आपको जरूर करना चाहिए। तीसरा है कि जिन जातकों को विवाह और शादी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, उन जातकों के लिए इन 9 दिनों में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा और उन्हें शुभ संकेत जरूर मिलेगा। इसी के साथ दाम्पत्य में, जिन जातकों के दाम्पत्य में बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा या पति पत्नी के बीच कोई विवाद चल रहा है, तो उसमें भी एक सुलह और उसमें भी रास्ते खुलेंगे। जो चीजें आप चाहते हैं अपने मन के मुताबिक, वो होने की भी बहुत हद तक संभावना है। उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिसे आखिरी में जरूर करना है आपको। अगली चीज है, जिन जातकों को नौकरी में बहुत दिनों से परेशानी या नौकरी के स्थान पर परेशानियां झेल रहे हैं, या तो अपने कलीग के साथ में, बॉस के साथ में, या अपने इन चीजों को लेकर, उन जातकों के लिए इस नवरात्रि में बहुत ज्यादा रिलैक्स और रिलीफ मिलने वाला है। तो इसे भी आपको बहुत हद तक समझने की आवश्यकता है। अगला जो महत्वपूर्ण है कि जो भी जातक इन 9 दिनों में माँ 9 के 9 रूपों का आप पूजा अर्चना करें, और साथ ही साथ इन 9 दिनों में भगवती पाठ का पाठ जरूर करें, पाठ माँ का पाठ जरूर करें, और माँ के 9 रूपों के दर्शन अपने घर के आसपास जो भी बड़ा देवी का मंदिर है वहाँ दर्शन करने जरूर जाए, और जितना हो सके देवी की उपासना करें, सकारात्मक रहे, मंत्र जप करें, और जितने लोगों का भला आप कर सकें, अपनी इच्छा से जो चीज़ें दे करें, डोनेट कर सकें, दे सके, वो जरूर दें। यही उपाय है जो आपको बहुत हद तक इन सब चीज़ों से बाहर निकालेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करना। कमेंट्स में जो भी आपकी राय हो खुलकर आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।